लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सायन पनवेल हाईवे के किनारे बसे वाशी के रहवासियों को अब वाहनों की चिल्पो और ध्वनि प्रदूषण से निजात मिलने वाली है। शिवसेना युवा नेता अवधूत मोरे की मांग पर नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने वाशी गांव से वाशी प्लाजा के बीच साउंड बैरियर लगाने का निर्देश दिया है। नवी मुंबई महानगर पालिका जल्दी यहाँ साउंड बैरियर लगाने की शुरुआत करने वाली है। देखिए खास रिपोर्ट। रेजिडेंशियल कॉलोनी है, वो नेशनल हाईवे के बहुत ही नजदीक है। पूरे दिन रात लोगों को ये गाड़ियां जो हाईवे पे चलती है उनका आवाज आता है और उसके वजह से काफी तकलीफ है। साउंड पोल्यूशन है यहाँ। सायन पनवेल हाईवे से पैदा हो रहे ध्वनि प्रदूषण और वाहनों का चिल्लपों वासी सेक्टर 2 और रो हाउस इलाके के रहवासियों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। यहाँ से गुजरने वाले ट्रक, डंपर और बड़े वाहनों की कर्कश आवाज़ और गर्म धुआं न सिर्फ लोगों की नींद और चैन छीन रहा है बल्कि उन्हें बीमार भी बना रहा है। जाहिर है हाईवे से हो रही इस मुसीबत का तत्काल समाधान जरूरी है। सेक्टर 7 अंडरपास से लेकर सेक्टर 1 जो हाईवे का सिग्नल है जिधर डी टाइप है, यहाँ पे पूरा एक रेजिडेंशियल लाइन है, मतलब रो हाउसेस है जिसे हम आरसीएफ कॉलोनी करके जानते हैं। फिर सेक्टर 1A है जहाँ रेजिडेंशियल है और डी टाइप है। तो ये सब जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है वो नेशनल हाईवे के बहुत ही नज़दीक है और जिस कारण पूरे दिन रात लोगों को ये गाड़ियाँ जो हाईवे पे चलती है उनका आवाज़ आता है और उसके वजह से काफ़ी तकलीफ है। साउंड पोल्यूशन है यहाँ। फिलहाल वाहनों की चिल्लपों और ध्वनि प्रदूषण से अब निजात मिलने वाली है। जी हाँ, शिवसेना युवा नेता अवधूत मोरे की मांग पर नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई महानगर पालिका को वाशी हाईवे पर साउंड बैरियर लगाने का निर्देश दिया है। युवा नेता अवधूत मोरे की माने तो मंत्री ने इसके लिए 1 करोड़ की निधि भी आवंटित करा दी है, जिसके जरिए वाशी सेक्टर 1, सेक्टर 2 और सेक्टर 7 समेत हाईवे किनारे प्रभाग 64 की तमाम इमारतों के रहवासियों को इस दुखदायी ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिलने वाली है। ये तकलीफ के बारे में हमने श्री एकनाथ जी शिंदे साहब, जो हमारे पालक मंत्री है और अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर है, उनको पत्र द्वारे यहाँ के लोगों की तकलीफ बताई और यहाँ एकॉस्टिक वॉल जिसे साउंड बैरियर कहते हैं उसका हमने डिमांड किया। तो विद इन नो टाइम एकनाथ जी शिंदे साहब ने 1 करोड़ का फंड इसके लिए अलॉट कर दिया और म्युनिसिपल कमिश्नर श्री बांगर साहब को ऑर्डर्स दिए कि एक काम जल्द से जल्द पूरा हो। असल में नवी मुंबई के वासी हाईवे पर लगने वाला यह पहला साउंड बैरियर होगा जिसे नगर विकास मंत्रालय की निधि और महानगर पालिका के जरिए स्थापित किया जाना है। युवा नेता अवधूत मोरे ने कहा कि जिस तरह पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने मांग पर तत्काल निर्णय लेकर साउंड बैरियर लगाने का निर्देश दिया है, उस पर खुशी हो रही है कि वाशी के रहवासियों को इस परेशानी से शीघ्र निजात मिलेगी। अभी कमिश्नर साहब बांगर साहब ने भी सिटी इंजीनियर देसाई साहब को भी एक काम का स्पीड बढ़ाने के लिए कहा है और नवी मुंबई में ये पहली बार एकॉस्टिक वॉल जो साउंड बैरियर है लगाया जा रहा है। इस बात की खुशी है कि ये बहुत सालों से जो रहवासियों का डिमांड था वो आज पूरा हो गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।